डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, साइंस टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट नेम इज फूड प्रोडक्शन। लास्ट क्लास में भी हमने आपको चैप्टर फर्स्ट से एक टॉपिक क्लियर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। मींस हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने फर्टिलाइज़र्स के एडवांटेजेस लिख रखे हैं और यहाँ पर आपके मैन्योर के एडवांटेजेस लिख रखे हैं। फर्टिलाइज़र्स मींस रासायनिक खाद, मींस ऐसी खाद जिसे हम कारखाने में तैयार करते हैं। ये आपकी मैन्योर, ये जैविक खाद जिसे हम लोग प्राकृतिक तरीके से तैयार करते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्टिलाइज़र में प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रेजेंट इन मैन्योर। मींस फर्टिलाइज़र में जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, और ये जो विशेष प्रकार के पोषक तत्व आपके फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं ये आपके मैन्योर में नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज का देखिए, मैन्योर का एड्स ह्यूमस टू द सॉयल। मींस जब हम मैन्योर का यूज़ करते हैं सॉइल के लिए, तो सॉइल में ह्यूमस की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है मैन्योर, एंड थस इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। साथ साथ मिट्टी की जो संरचना है उस मिट्टी की संरचना को भी मैन्योर इम्प्रूव कर देता है, मेकिंग इट होल्ड वाटर एंड एरेटिंग इट। साथ साथ मैन्योर जो है मिट्टी में पानी को पकड़ करके रखने की क्षमता को बढ़ा देता है, साथ में एंड एरेटिंग इट मींस मिट्टी में आसानी के साथ एयर, हवा जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सेकेंड पॉइंट एडवांटेज का, इजी टू स्टोर। मींस फर्टिलाइज़र को हम आसानी के साथ भंडारण कर सकते हैं, मींस इसको रखा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी के साथ ले जाया जा सकता है। एंड यूज, और इसे हम आसानी के साथ उपयोग में ला सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मीन्स यहाँ पर ये है कि इसको हम गठित रूप से यानी कि इकट्ठा करके एक जगह आसानी के साथ रख करके ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, मैन्योर का क्या एडवांटेज है, नॉट एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म। मीन्स आपके फार्म में जो भी ख़राब चीज़ें हैं, मीन्स जो नेचुरल वेस्ट चीज़ें होती हैं, उन नेचुरल वेस्ट चीज़ों से हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका एडवांटेज देखिए फर्टिलाइज़र का, रीडली एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। रीडली मीन्स सरलता से, पौधे जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र को आसानी के साथ अवशोषित कर लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर वाटर सोल्यूबल, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होती है ये पानी में घुलनशील होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैन्योर का थर्ड एडवांटेज क्या है, डज नॉट काज पोल्यूशन। मैन्योर, इससे प्रदूषण नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। क्योंकि मैन्योर जो हमारी तैयार होती है हम प्राकृतिक पदार्थों के अपघटित होने से बनती है। प्राकृतिक पदार्थों के अपघटित होने से बनने के कारण ही ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन मींस प्रदूषण को क्रिएट नहीं करता। आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो मैंने ये डिफरेंस आप लोगों को एडवांटेज के बताए हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में, इसको आप लोग लर्न करेंगे। थैंक यू।